मीरा राधा आओ, अहमद सुखिया सारे आओ। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा। कुछ सीखेंगे कुछ जानेंगे। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा। चलने की जरूरत है, चलो के खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरत है। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, हाँ तो बच्चों आज के पाठ की शुरुआत तो के पहाड़े से। मुन्ना तुम सुना जी मास्टर जी। दो एतम दो दूनी पाँच, दो तिया नौ, दो पंदे कम वक्त। इस तरह तो तू पूरी दुनिया का हिसाब किताब ही बिगाड़ देगा। कान पकड़ ले। अबे मेरे नहीं तेरे। वो मास्टर दिया तो ताले तीन भूल गया, भूल गया तो मुर्दा बन जा मास्टर दी। हाँ राजू बेटा तुम सुनो। शाबाश सुनाओ बेटा। हाँ सुनाओ। हाँ तेरे की। हासू जी मैं सुनाऊं? तू सुनाएगी बेटा, सुनाओ। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो पंजे दस। चल बापू किसे पूछ के आइए। मैं कहता हूँ चल भाई साहब। बस मास्टर बस। लड़की है पढ़ना चाहती है, लड़की है पढ़ना चाहती है, क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के? हमें नहीं पढ़ना आती लड़कियों को। सुनिए तो मास्टर हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं जाने कैसे कैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने नहीं देते, और जो कम वक्तों अपने को देखो और उस कमला को देखो, शर्म करो शर्म। चलो बैठो पढ़ो जान से। क्या बात है मास्टर, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम कब आए? मैं बस अभी आया जब आप इन परेशानियों में उलझे हुए थे। हाँ भाई परेशानियां तो बहुत हैं। सो तो हैं, मगर एक बात मन में नहीं आई। गांव की इस अकेली पाठशाला में एक भी लड़की नहीं, ताज्जुब है मास्टर जी। तुम भी जले पर नमक छिड़क रहे हो।
पहले तो यहाँ कोई लड़कियों को पाठशाला भेजता नहीं, फिर एक आध आ भी जाती है तो उसे ऐसे लोग नहीं पढ़ने देते, और ऊपर से धमका भी जाते हैं। बहुत गलत करते हैं मास्टर जी, गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा मास्टर जी, मुझे शहर में थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। राम राम मास्टर जी। दिनेश, तुम इन्हें पहाड़े याद कराओ। बच्चों, मैं अभी आता हूँ। जी मास्टर जी। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दूनी चार। रोहित, मस्त तू का चलो अपने पड़ोस। मैं तू सुख ना। दो एकम दो, दो दूनी चार, मास्टर का डंडा, मास्टर का मार, दो तिया छः, दो चौके आठ, लड़कों की आफत, मास्टर के ठाट, दो पंजे दस, दो छीके बारह, खाएंगे जलेबी, होंगे पोबारह, दो सत्ते चौदह, दो अठे सोलह, सबको दे रोटी, जय शंकर बोला, दो निम अठारह, दो दाए बीस। अगर यही हाल रहा तो हो गए दो धाम बीस। चलो अब हो गई छुट्टी। कमला क्या हो गया? दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ। बाबू, तो ये बात है, घबराओ मत, तुम पढ़ोगी, जरूर पढ़ोगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम हिम्मत बिल्कुल नहीं हारोगी। तुम वादा करो कि तुम जरूर पढ़ोगी। दीदी मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे बापू से खुद बात कर लूंगी। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, मगर आज भी वही घिसे पिटे सवाल, लड़की पढ़कर क्या करेगी? कितनी शर्मनाक है ये सोच। ये क्या हिमाकत है लड़की, लगाम दो अपनी जवान को लड़की, अपनी हद में रहना थी, घर से बाहर इस तरह अकेली किसकी इजाजत से? हाँ हाँ, किसकी इजाजत से? बस बस भी करो ये सब, लड़की ना हो गई, मर्द जात के हाथों की कठपुतली हो गई, जिसने चाहा जैसे चाहा नचा लिया। अरे मैं भी तो तुम सबकी तरह हूँ, हार मान कर जीता जागता इंसान हूँ। इंसान नहीं, तुम लड़की हो। एक औरत अपनी हद में रहोगी तो अपना ही भला करोगी। अपनी हद में, अपनी सीमाओं में रहना होगा मुझे? मगर तुम कौन सी सीमा रेखा की बात करते हो? तुम सबने तो मेरे सामने रेखाएं ही रेखाएं खींच दी है। अगर औरत जात में जन्म लिया है तो इन रेखाओं को भी मानना होगा। अगर तुम इन्हें बंदिशें समझती हो तो इन बंदिशों के साथ ही जीना होगा तुम्हें। इस समाज के सामने हमें भी तो अपना चेहरा दिखाना है। समाज? किस समाज की बात करते हो तुम? समाज यानी माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस, यही सब ना? तो फिर ठीक है, तुमसे क्यों, क्यों ना मैं इस समाज से ही बात करूं? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। समाज से इंसाफ मांगने से पहले समाज को मेरी कहानी पर गौर करना ही होगा। मेरी कहानी यानी एक लड़की की कहानी। हाँ, हमारे जीवन को जानना होगा आप सबको। आखिर लड़कियों के साथ ही दुनिया भर की बंदिशें क्यों? आज लड़की को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी पढ़ाई तक पूरी कर सके, और कौन जाने तब ये दुनिया वाले कह दे लड़की है, औरत जात है, लड़की भला पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़की पढ़कर क्या करेगी? लड़की पढ़ेगी। अरे लड़की पढ़कर क्या करेंगी? लड़की पढ़कर क्या करेगी? चूल्हा चक्की के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों भैया? हाँ भैया। अरे लड़कियाँ पढ़ गई तो लोगों को प्रेम पत्र लिखेंगी, आई लव यू। बाबा ना। बस, अरे बस भी करो तुम लोग।
गंदगी भरी है तुम लोगों के दिमाग में। अरे क्या लड़कियां इसलिए होती हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाए, उनका तमाशा बनाया जाए? मैं कहता हूं अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएं तो उनके जीवन की बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। वो चिट्ठी लिखेंगी, अपने मन की बात लिखेंगी, नौकरी के लिए अर्जी पत्र लिखेंगी और घर ही नहीं दुनिया का भी हिसाब रखेंगी। हाँ, अरे पढ़ना लिखना मर्दों का काम है, औरतों का नहीं है। पुराने जमाने की पुरानी सोच है ये। रे भाई हमने भाषण मत दे, हम ठहरे बुजुर्ग आदमी, हमारा तजुर्बा भी सुन लो, बैलगाड़ी को पतवार की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसी बैलगाड़ी का एक पहिया मजबूत और दूसरा पहिया कमजोर होगा तो भला क्या होगा उस बैलगाड़ी का? कुएं के मेंढक कुएं में ही भले होते हैं भैया। क्यों भैया? हाँ सचमुच कुएं के मेंढक हो तुम लोग, बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। हर मैं कहता हूं जागो, अभी भी वक्त है, जागो। जब सारी दुनिया बदल रही है तो तुम भी बदलो अपने आप को। अरे बात बताओ, क्या आजादी सिर्फ पुरुषों के बल पर मिली है? क्या स्त्रियों का इसमें कोई योगदान नहीं? क्या पंडिता रमाबाई और दुर्गा भाभी की कुर्बानियों को भूल गए तुम लोग? सावित्री बाई फुले के बारे में भी नहीं जानते? अरे मैं कहता हूं लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज की गाड़ी आगे बढ़ेगी। कितना मुश्किल है तुम लोगों को समझा पाना। झूठ 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 कहता है सूत्रधार, मार 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 इस पर किस्मत की मार। झूठ 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 कहता है सूत्रधार। मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। ए काकी मैं पास हो गई। दादा तुम्हें बता दियो। दादा देखा मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। ए कमला बिरला कमो मैं पास हो गई। समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। अरे डूब गई, कहाँ गई? लड़की बड़ी सयानी है, लड़की बड़ी सयानी है, फिर भी बोझ क्यों मानी है, फिर भी बोझ क्यों मानी है। थोड़ा सा जो पढ़ जाएगी, थोड़ा सा जो पढ़ जाएगी, कुछ जीवन में कर जाएगी, कुछ जीवन में कर जाएगी। और अगर नहीं पढ़ी तो हम बताएंगे। एक लड़की जो पढ़ न सकी वो सोच रही है, उसको मिला नहीं क्यों मौका पूछ रही है। उठो सहेली आंखें खोलो अपना जीवन खोजो, उठो सहेली अब तो जागो पढ़ना लिखना सीखो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अब ना अपने पास होने की खबर अपने बापू को सुना के आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ तू जा, चलो चलो हम भी चलते हैं। बापू आदमी में पास हो गई। अरे पास हो गई तो क्या तो दी, घर चल, घर का काम कर। ठीक बाबू अब क्या है? मैं नाम लिखाऊंगी, शहर जाऊंगी भाई के साथ पढ़ने। नहीं मैं तुम्हें पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकता, समझी? बाबू मने दो हरफ पढ़ा दे तेरा के घट जागा हो, मेरी जिंदगी ते काला बादल मिटा मैं छट जागा हो। बाबू मने दो हरफ पढ़ा दे तेरा के घट जागा हो, मेरी जिंदगी ते काला बादल मिटा मैं छट जागा हो।
लड़कियां क्यों पढ़े क्यों पढ़े क्यों पढ़े क्यों पढ़े घर के बाहर क्यों जाए लड़कियां क्यों जाए क्यों जाए क्यों जाए अपने हक के लिए लड़कियां क्यों लड़े क्यों लड़े क्यों लड़े क्यों लड़े हाँ लड़कियों के साथ वैसा कदम कदम पर होता है मगर नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने हाथों को उठाकर आसमान को अपनी मुट्ठी में बांध के लेना चाहती हूँ मैं हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ बस बहुत हुआ मेरा फैसला नहीं बदलेगा अगर तुमने घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चल घर चल लड़की ने जवान ने आ धरा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो कमरे में बंद करो पर मैं खुली हवा में घूमना चाहती हूँ खुली हवा बिल्कुल नहीं तितली ना बन जाए ये बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो पिंजरे में बंद करो मैं आजाद होना चाहती हूँ आजादी बिल्कुल नहीं चिड़िया ना बन जाए ये बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो सरस्वती अब तुम बड़ी हो गई हो घर से बाहर निकलना बंद करो काम काज सीखो कुछ पराए घर जाना है पति का वंश बढ़ाना है सलीके से उठो सलीके से बैठो सलीके से काम करो काम करो काम करो काम करो बस इतने से ही डर गई घबरा गई क्यों आखिर क्यों हाँ ये दुनिया भर की बातें कितना मुश्किल है ये सब सहन करना समझ लो ये इम्तिहान है तुम्हारा अग्नि परीक्षा है और तुम्हें इस परीक्षा में खरा उतरना है ये तुम्हारी आजादी का रास्ता है और तुम्हें ये रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना है मैं कहता हूँ बाहर देखो बाहर देखो बाहर देखो दुनिया बहुत बड़ी है इस पिंजरे से बाहर देखो दुनिया बहुत बड़ी है लड़ना सीखो भिड़ना सीखो दुनिया बहुत बड़ी है जानो अपने हक को जानो दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है सरस्वती मेरा दाढ़ी बनाने का ब्लेड कहाँ है जी वो मेज के दराज में ही तो रखा है अखबार के नीचे जरा ले लीजिए ना अरे भाभी तुम यहाँ पढ़ रही हो मुझे चाय बना के कौन देगा बबलू अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम खुद ही बना लो देखो ना मेरे इम्तिहान बिल्कुल सर पर है Thank you.
क्या कर रही है बहू? जी पढ़ रही थी सासू जी। पढ़ रही है? अरे तुम सबने सुना, मेरी बहू पढ़ रही है, डीसी बनेगी, जिले की डीसी। काम ना करने का अच्छा बहाना है। सरस्वती सरस्वती सरस्वती, किताब मत छोड़ना सरस्वती, अक्षर से मुंह मत मोड़ना सरस्वती, अक्षर से मुंह मत मोड़ना। तुम इस लड़की को क्या बहकाते रहते हो? इसका पीछा छोड़ो। अरे इसे घर का काम काज करने दो, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं दरा। क्यों, क्या नहीं है पढ़ने लिखने में? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पढ़ाती तो क्या तुम यहाँ तक पहुँच पाते? और क्या लड़कियाँ इंसान नहीं है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? उन्हें भी पढ़ने लिखने का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हें। और तुम एक बात बताओ, तुम हो कौन जो इस तरह से टांग अड़ाते रहते हो? क्या तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ इस देश की महान संस्कृति का रक्षक। हमारे यहाँ स्त्रियों का पढ़ना शास्त्रों के विरुद्ध है। स्त्रियों के कानों में वेद मंत्र नहीं डाले जाते, क्या तुम नहीं जानते? तुम झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो, और हमारी संस्कृति के बारे में अपट भी। तुम जो कुछ कह रहे हो उसका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। अरे हमारे यहाँ तो शुरू से ही स्त्रियाँ ज्ञानी रही हैं। क्या तुमने गार्गी का नाम नहीं सुना जिसने याज्ञवल्क से शास्त्रार्थ किया था? ऐसी बातें मुझे मत सुनाओ। लड़कियों का पढ़ना शास्त्रों के विरुद्ध है तो है, अब पढ़कर भी वह क्या कर लेंगी? क्या मर्दों के बराबर हो जाएंगी? किस शास्त्र में लिखा है कि लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती? और क्या नहीं है लड़कियां? डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, नेता नहीं है, वकील नहीं है, अध्यापक नहीं है, क्या नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज लड़कियां काम नहीं कर रही? बस बस इन्हीं बातों ने तो व्यस्त कर रखा है हमारे देश की संस्कृति, मर्यादा और नैतिकता को। पति को परमेश्वर मानो, मानो मानो मानो, सास ससुर की सेवा करो, सेवा करो सेवा करो सेवा करो, ये तो खुद का पहले हमें खिलाओ, हमें खिलाओ हमें खिलाओ हमें खिलाओ। खामोश। पति को परमेश्वर मानो, भले ही वो शराबी जुआरी या बच्चलन ही क्यों ना हो, सास ससुर की सेवा करो, चाहे वो उसे जिंदा ही क्यों ना जला दे। सरस्वती जिसे हम ज्ञान की देवी कहते हैं, आज वही सरस्वती पिंजरे में बंद है। आज वही सरस्वती हमारी अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के पिंजरे में कैद है। हमें ये पिंजरे बनाने बंद करने होंगे और बने हुए पिंजरों को तोड़ना होगा। सरस्वती तुम अबला नहीं, सबला हो सरस्वती। अपनी ताकत को पहचानो सरस्वती और तोड़ डालो इस पिंजरे को, तोड़ डालो, तोड़ डालो। कौन बनाता है यह पिंजरा, जानो जानो जानो, कौन रच रहा है यह साजिश, जानो जानो जानो। बहुत बन चुके ये पिंजरे, जागो जागो जागो, बहुत हो चुकी ये साजिशें, जागो जागो जागो, जागो जागो जागो, जागो जागो जागो। पढ़ना तुम पढ़ाना तुम, चांद से आगे जाना तुम, सारी दुनिया अपनी है बस बाहें फैलाना तुम। पढ़ना तुम पढ़ाना तुम, चांद से आगे जाना तुम, सारी दुनिया अपनी है बस बाहें फैलाना तुम। पढ़ना तुम पढ़ाना तुम, अब नहीं वंचित रहेगा ज्ञान से कोई यहाँ, अब नहीं वंचित रहेगा ज्ञान से कोई यहाँ, पढ़ सकेंगी लड़कियाँ भी हर शहर हर गांव में, पढ़ सकेंगी लड़कियाँ भी हर शहर हर गांव में। मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के,
कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जान कर, बिन पढ़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जान कर, ले किताबें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले किताबें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से लड़ने वालों, ग ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, ग ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बना के लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से लड़ने वालों।